और आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नौसेना कमांडो हरेश विशाखापट्टनम में हुए शहीद। आगरा से खबर, नौसेना कमांडो हरेश विशाखापट्टनम में हुए शहीद, आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते नहीं दिया जा रहा है शव। कोरोना की वजह से शव देने से अधिकारियों ने इनकार किया और पार्थिव शरीर की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन और ग्रामीण। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। बसाई खैरागढ़ के रहने वाले हैं शहीद हरेश। नौसेना कमांडो हरेश विशाखापट्टनम में हुए शहीद, कोरोना पॉजिटिव होने के चलते नहीं दिया जा रहा शव। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनका शव परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए। प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाइश दी जा रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते आपको बता दें कि शव नहीं दिया जा रहा। कोरोना की वजह से शव देने से अधिकारियों ने किया इनकार। पार्थिव शरीर की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन और ग्रामीण। हरीश कुमार सिंह नेवी में सर्विस करता था। कल सुबह 8 बजे दौड़ने गया और अधिकारियों ने बताया दौड़ते समय गिर गया है, गिर के उसे अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई है। डेड बॉडी लेके हम आ रहे हैं, शाम को बोले इसे कोरोना पॉजिटिव है, तो तुम आ जाओ, नहीं हम आने की स्थिति में नहीं है, तो ठीक है हम व्यवस्था करते हैं आने की। अभी तक डेड बॉडी नहीं आई है, जब तक डेड बॉडी नहीं आ जाएगी जब तक मैं धंधे बैठा हूँ। मेरे से कल से फ़ोन आ रहे हैं इनके पास, इन भाइयों के, भोला भैया के, कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे नेवी में थे और मेरे पास फ़ोन आया कि वो अटैक से ख़त्म हो गया है। फिर फ़ोन आया कि कोरोना से ख़त्म हुआ है। बार बार उनके बयान बदल रहे हैं अधिकारियों के, और अब डेड इनको खबर मिली है कि डेड बॉडी वो नहीं ला रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब अधिकारियों से, नेताओं से बात करने के बाद हमें आभास हुआ कि अब हमें वो मदद नहीं मिल पा रही है। तो गरीब के पास एक ही रास्ता है कि हम सब लोग भूखे प्यासे धरने पर बैठें